7 में कंपैरेटिंग क्वांटिटी, कंपैरिंग क्वांटिटी में हमने प्रीवियसली एग्जांपल 1 2 3 देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4 5 एंड 6 पे चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है, अ मैप इज अ गिवन विद अ स्केल। तो मैप का स्केल दिया हुआ है, देखो क्या है कि 2 सेंटीमीटर अगर आपको देता है तो 2 सेंटीमीटर का आपको 1000 किलोमीटर लेना है। कितना लेना है? 1000 किलोमीटर। What is the actual distance between the two place in the Kimi if the distance of the 2.5? कितना distance 2.5 दिया है तो कितना? तो देखो 2 सेंटीमीटर का आपको 1000 दिया है तो 2.5 सेंटीमीटर का कितना होगा वो आपको find करके आपको बताना है। तो देखो आप पता है इसको कैसे करेंगे, तो इसकी एक method है कैसी कि जो scale दिया है ना उसको left and right पे आप बिठा दो दोनों को, कि यहाँ पे अगर आपको मान लेना है कि ये डिस्टेंस ये लेफ्ट में लेना है और जो स्केल दिया है ना वो आपको राइट में लेना है। ओके, ये सामने सामने दोनों को बिठा दो इक्वल टू करके। तो देखो हमने क्या बताया था कि अगर 1000 दिया है ना किलोमीटर में तो उनका स्क्वायर हमारा 2 है। ओके, तो हमको फाइंड कितना करना है कि अगर 2.5 है तो उसका कितना रहेगा, तो एक्स किलोमीटर हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो एक मेथड है, तो डिस्टेंस और स्क्वायर को सामने सामने बिठा दो ऐसे, जिन दोनों का दिया है ना वो, तो डिस्टेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस और राइट साइड पे आपको स्क्वायर को लिखना है। तो स्क्वायर लिखो, तो डिस्टेंस, तो पहले अगर 1000 था तो 1000 के लिए 1000 की वैल्यू लिखो, तो 1000 की वैल्यू कितनी दी है, एक्स। फिर मेथड है ये, याद करो जेम, ये जेम बोलते हैं रेशियो। तो अगर एक्स है तो एक्स की कितना दिया है आपको 2.5, क्योंकि 2.5 का फाइंड करना है। तो ये मेथड है, याद कर लो क्या किया, दोनों डिस्टेंस और स्केल दोनों को सामने सामने इक्वल टू से लिखा है। डिस्टेंस 1000 दिया था तो 1000 में 2, तो हमको फाइंड करना है कि अगर 2.5 है तो कितना है, तो x। बस अब सिंपलीफाई कर दो, तो 1000 डिवाइडेड बाय x, 2 डिवाइडेड बाय 2.5। x को फाइंड करना है तो x को रखो, बाकी x को सामने ले जाओ, तो 1000 2.5 को यहाँ पे ले आओ, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 500, तो 500 इंटू 2.5, 500 इंटू 2.5, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1250। क्या आ जाएगा आंसर, 1250। तो अगर 2.5 जितना आपको दिया है तो उसके लिए जो किलोमीटर में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1250 मीन्स 1250। फिर देखो ये पूछा है कि 6 बाउल का कॉस्ट आपको 90 दिया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 90। देखो मैं अगर आपको ऐसा बताऊं कि एक पेन की वैल्यू 5 है, एक पेन की वैल्यू 5 है तो 10 की कितनी होगी, तो आप सिंपल ऐसा ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 10 इंटू 5 मीन्स 50। तो अगर हम एक की वैल्यू फाइंड कर दे तो उसका सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमको क्या दिया है कि 6 बाउल का कॉस्ट 90 दिया है, तो पहले लिखो 6 बाउल्स कॉस्ट कितना दिया है, 90। तो मुझे क्या करना है, एक बाउल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस नंबर दे दो हमारा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो मैंने क्या बताया, जब भी ये वाला स्टेप आता है ना, तो 2 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 1 कर देना है, तो 2 मीन्स 90, 3 मीन्स 1, और सॉरी 2 मीन्स 90, 3 मीन्स 3 नंबर पे 1 और 1 नंबर पे 6, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, बस सिंपलीफाई कर दो। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 15, 15 रुपीस, एक की कॉस्ट कितनी आई, 15। हम अभी हमको फाइन कितनी की करनी है, 10 की, 10 की फाइन करनी है, तो एक की अगर 50 है, एक की अगर 15 है तो 10 की कितनी, तो फिर से ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 क्रॉस 2, तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। कितना आंसर आ जाएगा, 150। ओके, वैसे ही नीचे वाले क्वेश्चन की हम ओरली बात कर देते हैं। कार दैट आई ओन कैन गो 150 किमी विद 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर 25 लीटर हम पेट्रोल भरवाते हैं ना तो 150 किलोमीटर चलता है, तो हाउ फार इट विल गो फॉर 30 लीटर पेट्रोल। तो इसमें भी ऐसा ही करो कि पहले आप इतना फाइंड करो कि एक लीटर में कितना जाएगा, तो 25 में 150 जाएगा, तो एक में कितना जाएगा, तो सिंपल 150 का 25 से डिवाइड कर दो, तो 150 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 150 को हम कैसे लिखेंगे, 150 मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 6, और नीचे क्या है 25, तो 25 को 25 से आप काटोगे तो एक लीटर में कितना जाएगा, 6 किमी तक जाएगा, एक लीटर में कितना जाएगा, 6 किमी। तो ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, कि अगर आप एक लीटर पेट्रोल भरवाते हो ना तो एक लीटर पेट्रोल में हमारी जो कार है वो 6 किलोमीटर जाएगी।
हमको क्या फाइंड करना है, हाउ फार कैन इट गो विथ द 30 लीटर। तो अगर एक लीटर पेट्रोल भरवाता है तो एक लीटर पेट्रोल में अगर वो 6 किमी जा रही है तो 30 में कितनी जाएगी, तो दोनों का सिंपल क्या कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 30 इंटू 6 तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 18, तो 180, तो आंसर कितना आ जाएगा, 180। तो अगर आप 30 लीटर पेट्रोल भरवाते हो तो 180 किमी जाएगा। ओके,